देख रहे हैं सिटीलियन न्यूज चैनल हक्की आवाज। आइए हम डॉक्टर संजीव कुमार साहब से जानते हैं कि कोराइड क्या है। वो आज हमको बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमको आज समझाने वाले हैं। कोविड ही है, इससे हमने स्कोरिंग बनाई कोराइड 1 से लेके कोराइड 5। आया था कि किस तरह से लंग्स के लिए एक्सरसाइज करना चाहिए, तो लंग्स का एक्सरसाइज क्या है, उससे क्या फायदे है। तो अगर आप मुंह में लगाएंगे इसको अच्छे से कस के दबा लीजिए। आइए हम डॉक्टर संजीव कुमार साहब से जानते हैं कि कोराइड क्या है। वो आज हमको बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमको आज समझाने वाले हैं। डॉक्टर साहब बताइए कोराइड क्या है। कोराइड एक स्कोरिंग सिस्टम है कि हम सीटी स्कैन में कैसे बताएं कि ये कोविड है कि नहीं है। एक्चुअली कोविड का टेस्ट जो होता है वो वायरस नाक से सैंपल लेके करते हैं, पर हमें ये नहीं पता लगता कि लंग्स में कितनी इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए हम लंग्स का सीटी स्कैन करते हैं। लंग्स के सीटी स्कैन में जहाँ जहाँ वायरस जाके बैठ जाता है वहाँ ऐसे फफूंदी जैसे वाइट पैचेस बना देता है। अगर आप ध्यान से देखें कि ये ब्लैक नॉर्मल लंग है और ये जो वाइट इन्वॉल्वमेंट है इसको लंग्स को पकड़ लिया है वायरस ने। अब ये देखने के लिए कि ये कितना परसेंट चांस है, चांस यानी कि इन्वॉल्वमेंट कितना परसेंट चांस है कि हम सीटी स्कैन देख के बता सकते हैं कि कोविड ही है, इससे हमने स्कोरिंग बनाई कोराइड 1 से लेके कोराइड 5। अगर मैं इसको देखते ही आइडेंटिफाई कर लूं, जो कि रिपोर्ट्स में ज़्यादातर लिखते हैं ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी, मतलब वाइट कलर की ओपेसिटी, तो मैं इसको कोराइड 5 बोल दूंगा। और अगर मेरे को कुछ भी ना दिखे तो मैं इसे कोराइड 1 बोल दूंगा। इसका मतलब कोराइड 1 कहता है कि कोरोना नहीं है और कोराइड 5 कहता है कि कोरोना है। आप ये समझिए कि कोराइड 5 का मतलब लास्ट स्टेज नहीं है। अगर मुझे जरा सी भी ओपेसिटी मिल जाए तो भी कोराइड 5 हो सकता है। आप देखिए दो लंग में से एक लंग बिल्कुल ठीक है और एक लंग बहुत डिसीज्ड है। ये कोराइड 5 होने के बाद भी पेशेंट को कोई सिम्टम्स या कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए मेरी इल्तजा है आपसे कि जब भी आप रिपोर्ट पढ़ें तो कोराइड के ऊपर ध्यान मत दीजिए। ये डॉक्टरों के लिए लैंग्वेज है, आप सिर्फ इतना पढ़ें कि लंग्स कितने इन्वॉल्व हैं। और अगर नहीं लिखा है तो ऐसे देखिए, ये काला नॉर्मल रंग और ये वाइट इन्फेक्टेड लंग। जितना लंग काला है वो अच्छा है और जितना वाइट है वो बुरा है। 50% से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट लंग पे ही प्रॉब्लम होती है, 50% से कम वाले पे प्रॉब्लम नहीं होती। तो कोराइड के नंबर के ऊपर मत जाइए, परसेंटेज इन्वॉल्वमेंट कितना लंग खाया गया है इसके ऊपर चाहिए। सर ऐसे लोगों को क्या घर में रहकर ही ट्रीटमेंट किया जा सकता है कि या फिर हॉस्पिटल में, क्या हो सकता है डॉक्टर कहेंगे कि हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएं तो क्या कि पेशेंट की हैबत और बढ़ जाएगी, वो और टेंशन में आ जाएंगे, तो क्या घर में रहकर भी उनको अपने आप को ट्रीट कर सकते हैं सर? क्योंकि कोविड वायरल इन्वॉल्वमेंट है, हर वो लोग जिनका लंग्स 50% से कम इन्वॉल्व है या सीटी स्कैन में बहुत ज़्यादा लंग खराब नहीं है या पेशेंट के सिम्टम्स में ज़्यादा फीवर या सांस चढ़ना नहीं है या हमारा पल्स ऑक्सीमीटर कहता है कि हमारी सैचुरेशन नॉर्मल है 95 से ज़्यादा है, ऐसे लोग घर में अच्छा खाना और रेस्ट करके ऑटोमेटिक ठीक हो जाते हैं। हम हॉस्पिटल किन लोगों को बुलाते हैं? उन लोगों को बुलाते हैं जिनको डेफिनेटली हाई प्रेशर की ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है या वेंटिलेटर पर जाने की ज़रूरत होती है। ऐसे ही लोग हॉस्पिटल के ट्रीटमेंट से बेनिफिट होते हैं। हॉस्पिटल आने के नुकसान भी हैं। हॉस्पिटल आने के नुकसान ये हैं कि हॉस्पिटल के एक्वायर्ड इन्फेक्शन बैक्टीरिया वाले आपको आ सकते हैं, और हॉस्पिटल आने के फ़ायदे ये हैं कि आपको सटीक इलाज मिल सकता है और लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आप ठीक हैं कि नहीं हैं। इसलिए मेरा राय ये है कि एक कंसल्टेशन लेके डॉक्टर से जान लिया जाए कि हम ठीक हैं कि नहीं, और उनसे डायरेक्ट सवाल पूछा जाए कि अगर हम घर पे रहेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे कि नहीं। सब लोग हॉस्पिटल आके अगर एडमिट होंगे तो हम एक दूसरे से एक दूसरे को इन्फेक्ट कर देंगे और हम रिसोर्सेस कंज्यूम्स कर लेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जिन लोगों को ऐसा कोई फीचर है जिसमें 50% से कम लंग इन्वॉल्व है, सांस नहीं फूट रही, ऐसे लोग हॉस्पिटल ना आए और घर में ही अपना नॉर्मल इलाज करें। थैंक यू। तो ये था कोराइड क्या है, किस तरह से होता है, क्यों होता है, क्या होता है, किस तरह से आपको इलाज करवाना है। तो हम चलते हैं अब उस सवालात की ओर जो आप लोग जानना चाहते हैं। आइए हम डॉक्टर संजीव कुमार साहब से जानते हैं कि कोराइड क्या है। वो आज हमको बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमको आज समझाने वाले हैं। कोविड ही है,
इससे हमने स्कोरिंग बनाई कोरेड 1 से लेके कोरेड 5। बताया था कि किस तरह से लंग्स के लिए एक्सरसाइज करना चाहिए, तो लंग्स का एक्सरसाइज क्या है, उससे क्या फायदे हैं? अगर आप मुंह में लगाएंगे इसको अच्छे से कस के दबा लीजिए। आइए एक और सवाल है जो डॉक्टर साहब ने अपने वीडियो में बताया था कि किस तरह से लंग्स के लिए एक्सरसाइज करना चाहिए, तो लंग्स का एक्सरसाइज क्या है, उससे क्या फायदे हैं डॉक्टर साहब? उसके करने से क्या एक्सरसाइज है उसकी? हमारे फेफड़े में एक तो सफरा, अगर मान लो इन्फेक्शन या बलगम फंसी हुई है तो डीप ब्रीदिंग से या खांसी से हम उसको निकाल सकते हैं, पर उसको निकालने के लिए हमको बाहर की मसल्स की पावर की ज़रूरत रहती है। जो लोग यंग होते हैं उनकी मसल्स अच्छी पावरफुल रहती हैं, जो लोग ओल्ड होते हैं उन लोगों की मसल्स में ये ताकत नहीं रहती। तो हम क्या करें कि हमारी ये मसल्स की ताकत इन्फेक्शन से पहले ही ज़्यादा अच्छी हो, जिससे कि हमें इन्फेक्शन हो भी तो हम इस इन्फेक्शन को बाहर निकाल सकें। तो हम डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, हम सिखाते हैं कि हाथ ऊपर करने से डीप ब्रीद लेना है, हाथ नीचे करने से एक्सेल करना है। मुंह को बंद करके पल्स रिप करके आपको अगर सांस छोड़ोगे तो लंग्स की कैपेसिटी और मसल्स की ताकत बढ़ जाती है। क्या हम मेरे पास कोई इंस्ट्रूमेंट्स भी है ये काम करने के लिए? हमारे पास जो होली वाले बलून्स रहते हैं, जो गुब्बारे रहते हैं, आप उसको फुलाएंगे और छोड़ेंगे, उससे भी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। उसके अलावा कुछ मेडिकल इक्विपमेंट भी आते हैं जिन्हें बोलते हैं स्पायरोमीटर। ये करते क्या है, ये बॉल्स हैं कि आपके लंग्स में कितने सीसी की पावर है। ये दिखाता है 600 सीसी की पावर है, ये दिखाता है 900 सीसी की पावर है, ये दिखाता है 1200 सीसी की पावर है। कुछ भी नहीं, एक सिंपल इंस्ट्रूमेंट है जिसको अगर आप मुंह में लगाएंगे इसको अच्छे से कस के दबा लीजिए लिप्स के अंदर, और सांस लेके इन बॉल्स को उठाना है और उठा के थोड़ी देर रोक के रखना है, उसके बाद छोड़ देना है। हर दो दो तीन तीन मिनट के लिए ये रिपीट कर रहे हैं और एक एक दो दो घंटे दिन के अंदर इसके 4 या 5 सेट मार रहे हैं। इससे क्या होगा, आपके लंग की कैपेसिटी, मसल्स की ताकत बढ़ जाएगी। इसके ये आप सिंपल इंस्ट्रूमेंट्स शायद 400 से 500 में आ जाता है, आप घर में लेके रख सकते हैं, पर ये एक आदमी एक ही यूज़ करे जिससे दूसरे को इन्फेक्शन ना जाए। ये कितनी बार भी यूज़ किया जा सकता है, पर अपनी ज़रूरत, जिन लोगों को खांसी नहीं है और ज़्यादा ऑक्सीजन पे नहीं है वो लोग ये इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं जिससे उनके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाए। आपने एक सवाल किया था कि हम ठीक होने के बाद घर जा रहे हैं, हमको अभी भी ब्रेथलेसनेस हो रही है, तो वो छोटी छोटी अगर एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाएगी और उनकी इम्प्रूवमेंट जल्दी हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करिए, जिनको ये नहीं मिल रहा वो सिंपल बैलून नहीं तो डीप ब्रीदिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। सर ये कब तक यूज़ करें, ताकि कब मालूम हो कि हम इससे, मतलब इससे हम, उनको ये जो प्रॉब्लम थी वो चले गई है, कैसे मालूम होगा आपको? हर वो लोग जो 2 मंजिल सीढ़ी 10 और 10 20 सीढ़ियाँ चढ़ के बगैर सांस फूले चले जाते हैं, उन लोगों को कोई भी एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है। जो लोग अपनी दिनचर्या में वापस चले गए हैं, बाथरूम जाना, ज़रूरत के लिए जाना, वापस आना, अपना बेड बना लेना, अगर वो लोग ये कर सकते हैं उनको इन एक्सरसाइजेस की कोई ज़रूरत नहीं है। जिन लोग इससे कमज़ोर हैं, जो लोग बिस्तर से भी बाहर नहीं निकल पा रहे, उन लोगों को ये एक्सरसाइज बेनिफिट देगी। क्या ये एक्सरसाइज हमेशा के लिए की जा सकती है? जी बिल्कुल, ये हमेशा के लिए की जा सकती है, और अगर हमेशा के लिए करते रहेंगे तो बेनिफिट रहेगा। एटलीस्ट बीमारी के बाद रिकवर होने पे 1 महीने तक तो ये एक्सरसाइजेस बेनिफिट करती हैं। और ऐसे ही कुछ नए सवाल, नए शख्सियतों से नए सवालात और नए मालूमात हासिल करने के लिए फिर एक बार आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मेरे साथ मेरे कैमरामैन नवीद और आपके दोस्त होस्ट सफर खान को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी, हक की आवाज़। दोस्तों अगर आपको हमारी न्यूज़ और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज़ और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक की आवाज़।